आप सभी दोस्तों का खबर सीमांचल में स्वागत है। अभी हम लोग हल्दी कोजाधमन विधानसभा क्षेत्र के हल्दीखोरा मार्केट के पास हैं। ये यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के दर्जनों लोगों के लिए मुख्य सड़क है। कनकई नदी का जलस्तर बढ़ने से यहाँ पर दर्जनों लोगों की स्थिति उत्पन्न हो गई है। देख सकते हैं किस तरह से लोग इस रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं, पार कर रहे हैं और काफ़ी परेशानी लोगों को यहाँ पर हो रही है। और इस रास्ते में यानी हल्दीखोरा से आपको सिंघारी जाने तक इस रास्ते में कई जगह जो है डायवर्जन है और उसके ऊपर होकर के पानी बह रही है, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें, असुरा और लायतोर उन जगहों में, उस निचले जगहों में जो है और स्थिति और जो है भयावह है। हालांकि अभी जो है कनकई नदी का जलस्तर घट रहा है, लोगों को राहत की सांस है और लोग परेशान थोड़ा सा कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो स्थिति अभी है ये जो है ये भी स्थिति काफ़ी कम नहीं है, ये भी काफ़ी परेशान है। लेकिन ये हमारे यहाँ हम लोग जिस जगह में खड़े हैं ये एक मदरसा है जिसमें पानी पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है और लॉकडाउन की वजह से हालांकि मदरसा अभी बंद है, लेकिन पानी पूरी तरह से लगभग गट्ठे भर से ऊपर की पानी यहाँ पर इसमें है। और यहाँ के पास में जो कई वार्ड है पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पर जो है अंचल अधिकारी वो भी जो है मौके का जायजा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर जो है स्थिति जो बनी हुई है, सिंघारी तक तो ठीक है, सिंघारी के बाद हल्दीखोरा जैसे इन करते हैं बहुत बुरा हाल है। आने हुई आने में तो बहुत दिक्कत हुई, कम से कम गाड़ी का इंजन भींग गया और आदमी लोग जो परेशान हो। अच्छा, स्थिति अभी कैसा है? स्थिति अभी का मतलब थोड़ा पहले कल तो भयावह था, आज कुछ थोड़ा कम है, पानी घट रहा है इसलिए थोड़ा राहत है। क्या होना चाहिए सब में? ये सब में अब क्या होगा, राहत कैंप वैंप लगवाया जाए, गरीब गुरबा का मतलब खाना वाना का व्यवस्था हो। बाकी स्थिति सामान्य लगातार हो रही है, बाढ़ का जो पानी घुसा था वो पानी थोड़ा धीरे धीरे घट रहा है। जो रात में जो स्थिति थी वो कुछ जो है कुछ देर के लिए अगर कहा जाए तो रात में जो स्थिति थी वो अभी कम हो रहा है। यहाँ के जो बहुत सारे स्थानीय लोग हैं हम उनसे बात करेंगे कि कल का स्थिति और आज का स्थिति क्या है। हम लोगों का जो है घर आदि जो फसरा है, क्या क्या परेशानी हो रहा है आप लोग बताइए, रुकिए ये बताओ। घर फसरा है, खाने का कोई साधन नहीं और घर आप लोग का घर कहाँ? यही हल्दीखोरा हुआ, क्या दिक्कत हो रही है? बहुत लाठी लेके घूम रहे हैं, क्या करेंगे? दिक्कत हो रही है काफी, पानी घुस गया, पानी घुस गया पूरा। क्या मांग करते हैं प्रशासन? अभी मानते हैं कि हम लोगों का जो है अभी सरकार जो करे खाना खर्चा जो भी हो और घर जो गिर रहा है, घर गिर रहा का है, घर गिर रहा है उसके लिए कोई इंतजाम हो। मैं बता दूं कि यहां से जो कनकई नदी का पानी प्रवेश करती है, आसपास के जो गांव प्रभावित हैं, जो पंचायत प्रभावित हैं, वो खैरी बीरपुर पंचायत, बिशनपुर पंचायत और हल्दीखोरा पंचायत, मछकुड़ी पंचायत, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को, इन कई पंचायतों को लोगों को जो है कनकई नदी के बाढ़ पानी का दंड झेलना पड़ रहा है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं और देख सकते हैं किस तरह से रास्ता यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं और रस्सी लगाया हुआ है और रस्सी के सहारे लोग पैदल आना जाना कर रहे हैं। परेशानी तो हो रही है और ये पुल टोला हल्दीखोरा और यहाँ के कई वार्डों में पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। स्थिति काफ़ी खराब है, इसलिए भी जिनका पक्की मकान है उनके अगर जगह है उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं है, आने जाने में पानी हुआ है। बाकी आप लोग अभी यहाँ हैं हल्दीखोरा पंचायत में, गाँव में घुस करके भी आप लोग देख सकते हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं जिसका कच्ची मकान है, उन लोगों को जिसका घर में पानी घुस गया, घर में जिसका नीचे है घर तक पानी दिया हुआ है, सामान उन लोग का नुकसान हुआ है, काफ़ी क्षति हुई है पानी घुसने से और बहुत लोगों का घर भी इस तरह से डूब गया है कि अभी वो किसी भी टाइम गिर सकते हैं। अभी पूरा वार्ड पूरा पंचायत में घूमना दो तीन रोड एक दिन में अभी संभव नहीं है। रात से जो पानी घुसा है अभी पूरे इलाका हम लोग घूम भी नहीं पाए, घूमने के बाद पता चलेगा कि कितना घर गिरा है, कितना कितना नुकसान हुआ है। लोग का फोटो शूट कीजिएगा और आप लोग घूमिएगा तभी आप लोग को भी। चलिए शुक्रिया, ये रस्सी लेके घूम रहे हैं, आइए आगे आगे बताइए बताइए, रस्सी क्या काम का? जी ये रस्सी यहाँ से आदमी जाने को तकलीफ हो रहा है इसलिए लगाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये रस्सी रास्ते में लगाए हैं लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आदमी धारा में कोई बाढ़ ना जाए, इसके वजह से रस्सी का भी व्यवस्था यहाँ पर किया गया।
यहाँ के स्थानीय हैं, क्या स्थिति है अभी, मतलब किस तरह से परेशानी हो रही है, क्या कर रहे हैं आप लोग? बढ़ रहा था इसकी वजह से हमारे गाँव टोला पुल टोला और चकवाल टोली बिल्डर बिट्टा इन सब में पानी भर गया पूरा और आंगन में भी पहुंच गया। तो आप लोग रात भर परेशान हुए होंगे? पूरा रात भर परेशान, सोए नहीं है? क्या अभी क्या स्थिति है? थोड़ा डाउन हो रहा है, थोड़ा पानी डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, गंगे नदी में डाउन हो रहा है, हिसाब से पानी डाउन हो रहा है। लेकिन इस बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए क्या लोग क्या कर रहे हैं? इस बाढ़ की स्थिति से कुछ लोग ऊँचे स्थानों पर चले गए हैं, बाकी जो बचा है कुछ स्थानों पर चले गए। ये हल्दीखोरा पंचायत के मुखिया हसनैन साहब हैं, ये भी पानी क्रॉस करके यहाँ से आ रहे हैं। आप बताइए क्या हालात है? हालात तो बहुत गंभीर है, ये तो पहले से पता है कि हल्दीखोरा पंचायत इस सैलाब के चपेट में आता है और मजकुरी के बाद ये दूसरा नंबर हल्दीखोरा ही आता है। और मैं समझता हूँ कि हल्दीखोरा का भी दौरा किया मैं, लगभग अभी 7 वार्ड का शुरू से दौरा किया, अभी मेरा वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 10 जो चिमनी टोला पंसठ टोला और जो है ये सलीम टोला बेलदार भिचा और जो है मदरसा टोला पुल टोला घाट टोला ये पूरी तरह से प्रभावित है चपेट पे, पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और काफ़ी परेशान है, काफ़ी परेशान है। कहता कि जलाउन नहीं है किसी का कि वो खाना पका के खाए, रसोईया वो खाना पका के खाए और हत्या के वो घर उर में पानी में घुस गया है। तो अभी ज़्यादातर घट रहा है बाबा, घट रहा है, घट रहा है पानी। तो लोगों के लिए आप मुखिया जी क्या है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लोगों को मैं तो सबसे पहले प्रशासन को भी आगाह किया कि भाई मेरे पंचायत बिल्कुल पूरी तरह से प्रभावित है और हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि जो परिवार में अगर मान लो खाना नहीं पकेगा। आप यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं और पूरी तरह से आप नज़र बनाए हुए हैं, तो और मतलब क्या हालत है आपके आसपास के? आसपास का क्षेत्र यही है, जब मेरा ऐसा हो सकता है तो हम समझ सकते हैं कि भाई वो लोग भी किस तरह का प्रभावित है ना, लोगों को परेशानी का सामना करना कर रहा है और प्रशासन को सूचना दिए हैं इसका। हाँ, जो साहब से बात की, जीरो साहब से बात की और उन लोग क्या बोले? बोले ठीक है, सो साहब आए भी हैं, सो साहब आके उनको फोन भी किया, मुखिया जी हम आए हैं वहाँ से कुछ देर पहले हम गए ही हैं और हम जो है पूरे इसमें हैं कि सरकारी जो लाभ है वो मिले, क्योंकि मेरा पंचायत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, प्रभावित है। सामन से आपको खबर सीमांचल के माध्यम से पल पल की जानकारी हम देते रहेंगे, जुड़े रहें खबर सीमांचल के साथ और आपको हर पल का अपडेट, हर एक मिनट का, हर घंटे का क्या कुछ घट रहा है हमारे क्षेत्र में, सभी चीज़ की जानकारी आपको खबर सीमांचल यूट्यूब के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको लगातार पहुँचाते रहेंगे। आपके वहाँ भी क्या घटनाक्रम होती है लगातार हमें आप व्हाट्सएप में, ट्विटर में, फेसबुक के माध्यम से आप हमें सूचना दे सकते हैं, हमारी टीम वहाँ पर जाएगी, आपका क्या समस्या है उनसे हम लोग जरूर रूबरू होंगे। प्रजाधामन से खबर सीमांचल के लिए मैं शेर साहब।